नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल व्रत पूजन त्यौहार में। दोस्तों, आप सभी को आने वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आने वाले वर्ष के बारे में ही है। आने वाले वर्ष में विभिन्न राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे, वो प्रभाव सुखद होंगे या निराश करने वाले होंगे, उन प्रभावों के बारे में आज हम बात करेंगे। आज का हमारा वीडियो विशेष रूप से राशियों के ऊपर पड़ने वाले शनि के प्रकोप या प्रभाव के बारे में है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7.5 साल बाद इस राशियों के लोग शनि के प्रकोप से मुक्त होने वाले हैं और 2022 में इन राशियों को सुनहरी सफलता मिलने के योग हैं। हर व्यक्ति को अपनी पूरी उम्र में कम से कम 3 बार शनि 7.5 का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि शनि की ये दशा सभी के लिए बुरी ही हो। कुछ लोगों के लिए 7.5 वरदान भी साबित होती है। अब किस व्यक्ति पर शनि की 7.5 का कैसा असर पड़ेगा, ये तो व्यक्ति विशेष की कुंडली पर निर्भर करता है। मंद गति के कारण शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने में करीब 2.5 साल का समय लेते हैं। 2.5 साल बाद शनि अप्रैल 2022 में अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि शनि 2022 में कौन सी राशि में प्रवेश करेंगे और ये प्रवेश शनि का इस राशि में करीब 30 साल बाद होने जा रहा है। और ये भी बता दें कि इस राशि के स्वामी ग्रह भी शनि हैं। तो दोस्तों, शनि 2022 में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि में शनि का प्रवेश करीब 30 साल बाद होने जा रहा है और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह भी शनि हैं। शनि का कुंभ राशि में गोचर कुछ राशि वालों के लिए सुखद साबित होगा और कुछ के लिए परेशानियां बढ़ाने वाला भी हो सकता है। शनि के राशि परिवर्तन से धनु राशि वालों को शनि 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। इन राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। जो काम आपके शनि की महादशा के कारण रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने के आसार रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा मीन राशि वालों पर भी शनि 7.5 शुरू हो सकती है। इस राशि के जिन जातकों की कुंडली में शनि शुभ स्थिति में नहीं है, उन्हें इस दौरान बेहद ही सतर्क रहना होगा। खासकर आर्थिक मामलों को लेकर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। धन हानि होने की भी प्रबल संभावना हो सकती है। आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। अकेले यात्रा करने से बचें। मीन के अलावा 2022 में मकर और कुंभ राशि वालों पर भी 7.5 रहने के आसार हैं। और दोस्तों, इसके अलावा शनि ढैया की बात करें तो मिथुन और तुला वालों को इससे मुक्ति मिल जाएगी। वहीं कर्क और वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ये दशा शुरू हो सकती है। और ये बता दूं कि शनि की दशा की अवधि लगभग 2.5 वर्ष की होती है और 2.5 वर्ष के बाद में उनको इस दशा से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे आने वाले वर्ष 2022 में शनि के विभिन्न राशियों पर पड़ने वाले प्रभाव और जिन राशियों के लिए ये प्रभाव सुखद होने वाले हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं, और जिनके लिए ये प्रभाव थोड़े से निराश करने वाले हो सकते हैं उन्हीं के लिए यही सलाह दी जाती है कि वो इन प्रभावों को दूर करने वाले उपायों को अपनाएं ताकि आपका जीवन भी सुखद हो सके। दोस्तों, इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो ऐसे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।